राजस्थान में रंग लाई राहुल की मेहनत, एक हुए पायलट और गहलोत। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच लंबे अरसे से चल रहे घमासान को खत्म करने पर सहमति बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की इन दोनों नेताओं के साथ सोमवार रात हुई मैराथन बैठक में ये सुलह हुई। हालांकि इसके फॉर्मूले की अभी घोषणा नहीं की गई है, मगर पार्टी हाईकमान ने ऐलान किया है कि राजस्थान के दोनों दिग्गज एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में पार्टी के घमासान का समाधान निकालने के लिहाज से ये कांग्रेस हाईकमान के लिए भी बड़ी सियासी कामयाबी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद तमाम राज्यों में कांग्रेस की सियासत को कामयाबी की पटरी पर लाने की मशक्कत में जुटे हाईकमान के लिए राजस्थान में गहलोत सचिन का घमासान सबसे बड़ी सिरदर्दी रहा है। लेकिन लंबे अरसे बाद गहलोत और पायलट को आमने सामने बिठाकर बातचीत करने की पार्टी नेतृत्व की ताजा पहल चुनावी साल में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी राहत देगी। खड़गे के आवास पर चली बैठकों के लंबे दौर के बाद रात 10:15 बजे पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के विवाद के सुलझ जाने का ऐलान किया। वेणुगोपाल ने कहा कि गहलोत और पायलट के साथ 4 घंटे चली गहन मंत्रणा के बाद हमने तय किया है कि राजस्थान में एकजुट होकर हम संयुक्त रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।